नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जियोमेटिल एमडी टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, जियोमेटिल एमडी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और जियोमेटिल एमडी टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि जियोमेटिल एमडी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जियोमेटिल एमडी एक ब्रांड नेम है। जियोमेटिल एमडी टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन प्रोक्लोरपेराजीन 5 mg होता है। जियोमेटिल एमडी टैबलेट का उपयोग चक्कर आने की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जियोमेटिल एमडी टैबलेट का उपयोग जी मिचलाना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि समस्याओं को ठीक करने के लिए भी जियोमेटिल एमडी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। कभी कभी डॉक्टर जियोमेटिल एमडी टैबलेट को एंजाइटी यानी चिंता को दूर करने के लिए भी लेने की सलाह दे सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में जियोमेटिल एमडी टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में जियोमेटिल एमडी टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नींद अधिक आना, सिरदर्द होना, मुंह में सूखापन होना, ब्लड प्रेशर का कम होना, आंखों में धुंधलापन होना और शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जियोमेटिल एमडी टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। जियोमेटिल एमडी टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर जियोमेटिल एमडी 5 mg टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं। जियोमेटिल एमडी टैबलेट एक माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट है जो मुंह में लेने के बाद अपने आप घुल जाती है, इसलिए जियोमेटिल एमडी टैबलेट को बिना पानी पिए भी लिया जा सकता है। इसलिए आपको जियोमेटिल एमडी टैबलेट को मुंह में रख लेना चाहिए। जियोमेटिल एमडी टैबलेट के मुंह में घुलने के बाद अगर आप चाहे तो पानी पी सकते हैं। जियोमेटिल एमडी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको जियोमेटिल एमडी टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि जियोमेटिल एमडी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जियोमेटिल एमडी टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और जियोमेटिल एमडी टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि जियोमेटिल एमडी टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद ज्यादा आ सकती है। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि जियोमेटिल एमडी टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, इसलिए ज्यादातर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को जियोमेटिल एमडी टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को जियोमेटिल एमडी टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका जियोमेटिल एमडी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।